सो हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और अभी हम पढ़ने वाले हैं रेड एल्गी के बारे में। अब देखें हम रेड एल्गी के बारे में, तो सबसे पहली बात तो रेड एल्गी जो होती है आपकी वो किस किंगडम से बिलोंग करती है। तो जो भी आपकी एल्गी होती है सबकी सब किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है प्लांट किंगडम से, ठीक है पहली बात। उसके बाद में जो आपकी रेड एल्गी है इसकी क्लास होती है आपकी रोडोफाइटा, यानी कि आपके पास में रेड एल्गी की क्लास क्या होती है, रोडोफाइटा हमारे पास में, ठीक है हमारे पास में। अब बोलता है हाँ, और आपको रोडोफाइसी भी लिखा मिल सकता है, तो रोडोफाइटा तो इसकी क्लास होती है और रोडोफाइसिस का ऑर्डर होता है, ठीक है हमारे पास में। अब अगर मैं आगे देखूं तो जो रेड एल्गी है ये मोस्टली आपकी कैसी होती है, मैराइन होती है, यानी कि हमें कैसे मिलेंगी, जहां पर आपका समुद्र वाला पानी होगा वहां पर मिलेंगी, ठीक है। या फिर मैराइन वाटर में क्या होता है, बेसिकली हाई कंसंट्रेशन होता है किसका, सॉल्ट वगैरह का। हम देखते हैं ना कि समुद्र में सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, तो ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, मोस्टली मैराइन वाटर के अंदर, और कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रीन एल्गी को देखते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी फर्स्ट वीडियो के अंदर, उनको अगर हम देखें तो वो आपकी यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टी सेलुलर भी होती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, मैराइन वाटर में भी मिलती हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, आपके रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है, और साथ में ही क्या प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है एंड फाइकोबिलिन नाम की पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो फाइकोबिलिन्स होती है ना, ये क्या है, आपका एक ग्रुप है कि भी अगर बहुत सारे इस ग्रुप के अंदर पिगमेंट आती है, जैसे कि मैंने बोल दिया फाइकोबिलिन्स, या सिंपल समझो हमने बोल दिया दाल, ठीक है। अब दाल तो बहुत सारी टाइप की होती है, कोई आपकी पीली दाल होती है, कोई लाल दाल होती है, मतलब दाल अलग अलग कलर की होती है ना, तो ऐसे ही फाइकोबिलिन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि रेड एल्गी के अंदर जो फाइकोबिलिन्स मिलते हैं वो होते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। अगर कोई पूछ दे कि रेड एल्गी का रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारे पास में आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, अच्छा। फिर बोलता है कि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है, यानी रेड एल्गी के अंदर जो फाइकोबिलिन्स हैं ये शो करते हैं क्रोमेटिक अडेप्टेशन। क्रोमेटिक अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि देखो, क्रोमेटिक अडेप्टेशन हम इस चीज को बोलते हैं कि जब आपकी कोई एल्गी क्या करे, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करे। मतलब कि हाँ, एक तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है, और साथ में ही मैक्सिमम अमाउंट में तो एब्जॉर्व करेगा ही करेगा, और डिफरेंट वेवलेंथ को भी एब्जॉर्व करेगा। मतलब कि मान लिया एक वेवलेंथ की लाइट थी, उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, ये बात होगी आपके पास में। और सिर्फ एक ही को नहीं, और भी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो इसके ऊपर गिरेगी उन सबको एब्जॉर्व करेगा, और मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जितना एब्जॉर्व कर सकता है वो करेगा, ठीक है यहाँ तक की बात। यानी मैं कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि क्रोमेटिक अडेप्टेशन एक ऐसी अडेप्टेशन है रेड एल्गी के अंदर, जिसकी वजह से उसके ऊपर जिस भी वेवलेंथ की लाइट गिरती है, अलग अलग वेवलेंथ की, तो सब वेवलेंथ की लाइट को वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व करेगी उतनी ही उनके क्या आएंगे, आपके पास में कलर आएगा, ठीक है। अब इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लाइट के ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व करने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, गॉर्डिकोफ फिनोमिना, और अडेप्टेशन को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक अडेप्टेशन। यहां तक की बात क्लियर होगी, इसको क्या बोलते हैं, गॉर्डिकोफ फिनोमिना, ठीक। अब आगे बोलता है कि रेड एल्गी के अंदर कौन सा रिजर्व फूड होता है, तो रेड एल्गी के अंदर हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, ठीक है। तो जो आपकी रेड एल्गी है इसके अंदर कौन सा रिजर्व फूड होता है, इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का रिजर्व फूड होता है, जिसका स्ट्रक्चर अगर कभी पूछ ले तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है। और जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन नाम, मैंने दो वर्ड यूज करे कि हाँ, एक नाम मैंने यहाँ पर बोला है अमाइलोज, एक मैंने यहाँ पर बोला है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है।
तो जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं ना, इन दोनों से मिलकर हमारी नॉर्मल स्टार्च बनी हुई होती है, जो नॉर्मल स्टार्च पढ़ते हैं। लेकिन रेड एल्गी के अंदर कौन सी स्टार्च है आपकी? फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर लगभग आपको किसके जैसा होगा? जो नॉर्मल स्टार्च होती है, और उस नॉर्मल स्टार्च के कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे ये बोलता है आपके पास में कि जो रेड एल्गी है, अब है तो एल्गी यानी प्लांट से किंगडम से बिलोंग करती है, तो इसकी सेल वॉल भी होगी। तो जो आपकी रेड एल्गी होती है, इसकी डबल लेयर सेल वॉल होती है, यानी कि दो लेयर होती है सेल वॉल में, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। ठीक है, तो जो आपकी इनर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। और जो रेड एल्गी की आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? हाइड्रोकोलाइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इनर लेयर किसकी बनी हुई होती है हमारे पास में? सेलुलोज की। और आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है? हाइड्रोकोलाइड की। अब भैया हाइड्रोकोलाइड किस चिड़िया का नाम है? तो हाइड्रोकोलाइड होते हैं आपके वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस, यानी कि हाइड्रोकोलाइड हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की या वाटर को होल्ड करने की क्या रखते हो? कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, तो हाइड्रोकोलाइड उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। और आउटर लेयर आपकी रेड एल्गी की किसकी बनी हुई होती है? हाइड्रोकोलाइड्स की। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो ये हाइड्रोकोलाइड है ना, हम लोगों के बहुत काम किए हैं। इन हाइड्रोकोलाइड्स को एल्गी से एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अगार, तो अगार आपका एक हाइड्रोकोलाइड का ही एग्जांपल है। और ये अगार हमें कहाँ से मिलता है? दो एल्गी के हमारे पास में सेल वॉल से हमें ऑब्टेन करते हैं हम इसे। तो जो अगार है ये सेल वॉल ऑफ गैलेडियम एंड ग्रेशिलेरिया नाम की रेड एल्गी से मिलता है। तो यानी जो अगार है आपका, ये सेल वॉल कौन सी एल्गी की सेल वॉल से मिलता है? गैलेडियम एंड ग्रेशिलेरिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। उसके बाद में जो आपके पास में कैरागिन नाम की जो एल्गी होती है हमारे पास, सॉरी कैरागिन नाम का जो हाइड्रोकोलाइड है, ये आपका एक प्रोडक्ट तो क्या हो गया जो हमने सेल वॉल से निकाला? अगार निकाला। हाँ, और इस अगार को हम कहाँ पर यूज करते हैं? आइसक्रीम्स के अंदर, यानी कि जो आइसक्रीम की जो आप थिकनिंग करते हैं ना, आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए यूज क्या किया जाता है? अगार। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि आपके पास में यहाँ पे देखिए कि आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए हम अगार को यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जब हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कराना होता है या फिर किसी भी बैक्टीरिया को कल्चर कराना होता है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? अगार का। इसको अगार अगार भी लिखा मिलता है हमारे पास में। ठीक है, किस चीज के अंदर और यूज हो रहा है ये? बैक्टीरिया वगैरह को आपके कल्चर कराने के लिए। अब कल्चर से क्या मतलब है, इस चीज को समझो। मान लिया कि आपको किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, तो उस बैक्टीरिया को कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ तो ऐसा दोगे ना, पानी वानी, मतलब किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट्स उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कहाँ से मिलते हैं? इस अगार अगार से। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, उसके ऊपर हम अगार अगार रख देंगे और उसके अंदर फिर हम उस बैक्टीरिया को क्या कराएंगे? ग्रोथ कराएंगे उसकी, यानी उसकी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। और वही क्या कहलाता है आपका, उस चीज का कल्चर कराना। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में एक आपकी रेड एल्गी होती है जिसका नाम होता है फुनोरी। ठीक है, एक रेड एल्गी है जिसका नाम है फुनोरी। और फुनोरी भी हमें क्या मिलती है, सॉरी फुनोरी क्या है आपका? एक हाइड्रोकोलाइड है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? कुछ इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रेड एल्गी नहीं है कि उससे मिलेगा, अलग अलग टाइप की रेड एल्गी से आपको मिलता है। मतलब अलग अलग, मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ दो या चार एल्गी से आपको मिलता हो ये। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे इसका फिक्स है ना कि आपके पास में कहाँ गया, जो अगार अगार में गैलेडियम और ग्रेशिलेरिया से मिलता है। जो आपके पास में कैरागिन नाम का एक हाइड्रोकोलाइड है, ये कॉन्ड्रोस्क्रिप्सिस नाम की एल्गी से मिलता है हमको। ऐसे ही फुनोरी का कोई फिक्स नहीं है कि वो कौन सी रेड एल्गी से मिलता है, मतलब तीन चार रेड एल्गी है या फिर और भी ऐसी एल्गी में पाई जाती है जिनसे हम फुनोरी को निकाल सकते हैं। अब इस फुनोरी को यूज कहाँ किया जाता है? देखो, जो अगार अगार था, कैरागिन था, फुनोरी था, ये सबके सब क्या है हमारे पास में? हाइड्रोकोलाइड्स है। ठीक है, और जो फुनोरी है इसको किसकी कहाँ पर यूज करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं एज अ एडहेसिव। एडहेसिव मतलब कि कुछ चिपकाने वगैरह का मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
जो आपके पास में केराटीन नाम का हाइड्रोकोलाइड है जो मैं कॉन्ड्रोस्कर्सिस नाम की एल्गी से मिलता है, ये कहाँ पर यूज होता है आपका? ये अगेन आइसक्रीम की थिनिंग के अंदर यूज किया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक और पॉलिशेस वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। किसको? हम केराटीन को। टेक्सटाइल के अंदर, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, पॉलिशिंग के अंदर और आपके कॉस्मेटिक के अंदर और आइसक्रीम की थिनिंग के अंदर। जबकि जो फिनोरी है इसको एज एडहेसिव यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अब रेड एल्गी है तो इसके अंदर भी तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता होगा। तो रेड एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कौन से मेथड से होता है? वो होता है फ्रेगमेंटेशन के मेथड से, ठीक है। यानी कि रेड एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है हमारे पास में? फ्रेगमेंटेशन के मेथड से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी के अंदर कौन से मेथड से होती है, तो वो होती है एप्लैनोस्पोर से। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर होती है ज़ूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो आपकी रेड एल्गी होती है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एप्लैनोस्पोर से, ठीक है। और जो ये एप्लैनोस्पोर्स होते हैं ये कैसे स्पोर्स होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। जबकि जो हम ग्रीन एल्गी के अंदर ज़ूस्पोर्स पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर गैमेट्स के अंदर क्या है आपके पास में? फ्लैजिला है तो वो ज़ूस्पोर्स कहलाते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो एप्लैनोस्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। और रेड एल्गी के अंदर कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? एप्लैनोस्पोर से, ठीक। उसके बाद में अगर हम रेड एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होती है ओगैमस मेथड से। अब ओगैमस का मतलब क्या होता है? जब आपका मेल गैमेट तो क्या हो? मोटाइल हो और स्मॉल साइज का हो, और जो फीमेल गैमेट है वो कैसा हो आपका? लार्ज साइज का हो। तो उनके फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये एग्जांपल तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? जैसे कॉन्ड्रोस्क्रिप्सिस हो गया आपका, गैलेडियम ग्रेशुलेरिया हो गया, और कहाँ पढ़ा हमने? यही पढ़े थे। ये किसके थे? हमारे रेड एल्गी के एग्जांपल्स थे। दो एग्जांपल्स और हैं हमारे पास रेड एल्गी के, एक है पोरफायरा और एक क्या है? पॉलीसिफोनिया, ठीक है। जो पोरफायरा नाम की रेड एल्गी होती है ये कैसी होती है? एडिबल होती है, यानी पोरफायरा नाम की रेड एल्गी को हम खा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हमारे पास में, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा रेड एल्गी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्राउन एल्गी को कंप्लीट।